जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। गाइस, सीएससी में बीएलई के लिए एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ, एक नया सरकारी काम आया हुआ है। इस काम के अंतर्गत सभी बीएलई भाइयों को अपने राज्य के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों का माइग्रेशन कार्ड बनाना होगा, जिसके लिए सीएससी की तरफ से एक नई सर्विस को लाइव की गई है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि आप इसमें किस तरह से मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह के मजदूरों का इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और कौन से सीएससी बीएलई भाई इस सर्विस में काम करने वाले। So, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। सीएससी में जो नई सर्विस शुरू की गई है उसके बारे में और जानकारी के लिए हमने ट्विटर पर एक पोस्ट को ओपन कर लिया है, जहां पर दिनेश त्यागी सर द्वारा इस पोस्ट को पोस्ट किया गया है। जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, सीएससी संयुक्त राष्ट्र निकाय ने प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न सेवाएं देने के लिए समझौता किया है। बिल में यहां पर आपके लिए एक पेपर का लिंक भी शेयर किया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में और जानकारी को ले सकते हैं। जहां पर देखिए, सीएससी संयुक्त राष्ट्र निकाय ने प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न सेवाएं देने के लिए समझौता किया है। जहां पर इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, नई दिल्ली 11 अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र की सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन आईओएम के साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किया है। यह समझौता आईओएम के भारतीय दूतावास के साथ किया गया है, जिसका मकसद तमिलनाडु में प्रवासी संसाधन केंद्र MRC की स्थापना करना है। इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, जहाँ पर इसके संबंधी और जानकारी को दी गई है, जिसके बारे में आप इस पेज पर जाके पढ़ सकते हैं। इस पेपर के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, से आप जाके इस पेपर पर आके इसके बारे में और जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर यह सर्विस अभी सिर्फ तमिलनाडु के लिए शुरू की गई है। जैसे ही आपकी स्टेट में यह सर्विस शुरू होगी उसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ में इस कमाल की इन्फॉर्मेशन को अपने सभी बीएलई भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।